रेसिपीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साइड में बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी रेसिपीज की अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं बर्गर बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आलू पूरा टिक्की बना लूँगी। ये हमने दो बड़े आलू लेके उबाल लिया था, अब इसका पहले हम टिक्की बनाएंगे। पहले आलू को मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। आलू मैश हो चुका है, अब चलिए इसमें हम मसाले डालते हैं। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ये है गरम मसाला, ये भी 1 टेबल स्पून है, और एक पिंच काली मिर्च है कुटी हुई है, हरी मिर्च है कटी हुई बारीक, धनिया की पत्ती है बारीक कटी हुई ये भी। अब इसमें डाल देते हैं चाट मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालते हैं ये है कॉर्नफ्लोर, ये 4 बड़ा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमारे आलू में मसाले मिल चुके हैं, अब हम ये घोल तैयार कर लेते हैं मैदे का। अब टिक्की बना लेते हैं, पहले हाथों में तेल लगा लेते हैं। बर्गर के साइज का ही टिक्की बनाना है। अब इसे मैदा में डिप करते हैं, फिर ये ब्रेड क्रम में, इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब दूसरा बना लेते हैं। हमारी टिक्की बन के रेडी हो चुकी है और तेल भी गर्म हो चुका है, तो जल्दी से डीप फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। मेरा टिक्की हो गया है गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। अब दूसरा पीस भी डाल लेते हैं इसमें धीरे से। हमारी तीनों टिक्की रेडी हो चुकी है, अब बर्गर बनाना शुरू करते हैं। हमने बन को बीच से आधा आधा काट लिया है, इसे अब इसे थोड़ा सा हल्का सा बटर डाल के सेक लेते हैं। ये मेरे बर्गर बन सेक चुके हैं, अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बर्गर। ये हम सॉस लगा देंगे इसके, उसके बाद डालते हैं ये पत्ता, और एक लेयर डालते हैं इसकी प्याज की, और डालते हैं टमाटर स्लाइस, इसका पतला पतला चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए टमाटर का। अब इसके ऊपर डाल लेते हैं ये खीरे की स्लाइस। अब रखते हैं टिक्की, अब ये डाल लेते हैं वेज मेयो टिक्की के ऊपर। आप चाहें तो चीज भी रख सकते हैं, लेकिन चीज मुझे पसंद नहीं है मेरे घर में किसी को भी, तो मैं चीज नहीं डाल रही हूँ। ये हो गया मेरा बर्गर रेडी, अब दूसरा भी बना लेते हैं ऐसे ही। अब इस पे हम बर्गर मेयोनीज लगाते हैं इसे। अब ये स्टेप हम दोहरा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर हम डालते हैं गोभी के पत्ते। मेरे दो बर्गर रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।